अल्पसंख्यकों का अपमान नहीं सहेंगे। तो मंदिर दोनों का मैंने मुद्दा उठाया, इसी देश में एमपी फंड से शमशान को घेराया जा सकता है और शमशान के घेराने के लिए 5 से 10 एमएलए फंड में हम लोग शमशान घेराबंदी करवाते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि बना उसमें से शमशान को छाट दिया गया और कब्रिस्तान के बारे में जब प्रश्न आया, और इससे 2 रोज पहले मेरा भी प्रश्न था जिसका भी उत्तर ढंग से नहीं दिया गया था, तो मैंने पुरजोर ढंग से कहा कि जो भी पुराने मंदिर हैं और शमशान हैं उसको भी मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि से घिरवाया जाए। क्या मिला जवाब? विचार करेगी सरकार। ये जनता पार्टी के तरफ से शैलेंद्र जी पंचायती राज के बजट को बोलने के लिए खड़े हुए और बोलते के क्रम में विषय से जुड़े तथ्यों पर कोई बात उन्होंने नहीं की, बल्कि सीधे सीधे अल्पसंख्यक जमात को राष्ट्रद्रोही साबित करने के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। उस अमर्यादित शब्दों के प्रयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी पार्टी, एआईएमई और कांग्रेस के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि सदन के अंदर जब आप संविधान के शपथ लेकर सदस्य बनते हैं तो इस तरह की बात आप नहीं कर सकते जिससे देश के अंदर, समाज के अंदर कटुता और विभाजन पैदा हो। लेकिन ये उनका क्रम जारी रहा पिछले 1 सप्ताह से, जैसे वो लोग कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के अंदर नफरत भरी बयान, उकसावे भरी बयान, इसे समाज में मॉब लिंचिंग का स्पेस बनता है। हम लोग विपक्ष के लोग लगातार ये सवाल को उठाते रहे, ये विरोध करते रहे कि सदन के अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय के हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप माननीय सदस्य जो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे माफी मंगवाइए, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय किन कारणों से गोल मटोल जवाब देते हैं और सरकार के भी जो जवाब आते हैं वो संतोषप्रद नहीं होते हैं। मैं जनता दल यू के नेता माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलते रहते हैं, लेकिन सदन पटल पर यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उकसावेपूर्ण नफरत भरी बयानबाजी है, उस नफरत भरी बयानबाजी, उस सांप्रदायिक बयानबाजी के समर्थन करने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं, और इसलिए आज बिहार के अंदर नीतीश कुमार का चरित्र जो है साफ जो है सामने आ गया, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। जो बीजेपी से आते हैं वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख रहे थे, उसमें एक आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही कि राष्ट्र विरोधी एक संप्रदाय को बताने का काम किया है, मुस्लिम जाति के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को, और ये पहली घटना नहीं है। लगातार कई बार मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लो, नागरिकता छीन लो, इस तरह की भाषा बोली जा रही है सरकार की तरफ से, और ये हमको लगता है कि ये आरएसएस का एजेंडा यहाँ लागू करना चाहता है। देश में जब नहीं लागू होने दिए तो बिहार में लागू होने देंगे, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के रहते हुए ये एजेंडा लागू होगा? नहीं होने देंगे, कतई संभव नहीं है। और हमने शुरू में उठकर खड़े होकर मैंने कहा, सभापति उस समय थे नरेंद्र नारायण यादव जी, मैंने आपत्ति दर्ज कराने का काम किया और मैंने कहा कि प्रोसीडिंग से निकाला जाए और माननीय सदस्य खेद प्रकट कराया जाए। वो बात बढ़ गई और वो खेद भी प्रकट नहीं किए और एक संप्रदाय के खिलाफ में हमेशा विषमन करने का काम करते, वो लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो लोग जो अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे, आज वो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, आज वो राज कर रहे हैं और देश पर एक संप्रदाय के खिलाफ में विष बमन करने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग हम सदन का बहिष्कार किए हैं और जनता के हाथों में, और जनता देख रही है कि किस तरह से आरएसएस के लोग एक संप्रदाय के खिलाफ में गलत बयानी कर रहे हैं और आरएसएस के लोग। सवाल ये पैदा होता है, तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के क्रम में भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है और कहा है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, इसी तरह के शब्द उन्होंने कह करके अल्पसंख्यकों को न सिर्फ प्रताड़ित किया है
न खौफ में डालने की बात की है, न सिर्फ नफरत फैलाया है बल्कि संविधान विरुद्ध बात करके एक संविधानिक संस्था में हमारी मर्यादा को तार तार किया है। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया है, हम मुबारकबाद देते हैं। अल्पसंख्यक भय में है, नफरत के जरिए से अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हो रही है और इसी किस्म के भाषा के प्रयोग से, इसी किस्म के उकसाए बयान से अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं से खौफ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। इसलिए हम लोगों ने सदन में इसकी गुजारिश की कि साहब यह सदन नियमावली कुछ भी है वो संविधान के अधीन है, संविधान के अधीन जो नियमावली है उसमें कहीं से गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को आप टारगेट करके बात करें। अगर गॉडसे ने गांधी का कत्ल कर भी दिया था तो हम गॉडसे को कह सकते हैं, किसी समुदाय को नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कहा जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि हाँ देख लिया जाए कार्रवाई, लेकिन सदन से देखा नहीं जा रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है कि अल्पसंख्यकों को लोग इस तरह क्यों सता रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर ही कब्रिस्तान, श्मशान, गाय, टोपी, बुरका, हिजाब, मुसलमान, नागरिकता, वोट का राइट, इसी पर पूरी राजनीति कर रही है बीजेपी।